बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुन फिल मुस्तहाज़ा। अन आयशत रदियल्लाहु ताला अन्हा कालत जाअत फातिमतु इब्नतु अबी हुबैशिन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकालत या रसूल अल्लाह इन्नी इम्रातुन उस्तहाज़ु फला अतहुरु अफअदउ अस्सलात क़ाला ला इन्नमा ज़ालिकि इर्क़ुन वलैसत बिलहैज़ा फ़ैज़ा अकबलत अल-हैज़ा फ़दई अस-सलात वइज़ा अदबरत फ़ग़सिली अन्कि अद-दमा वसल्ली। क़ाल अबू मुआविया फ़ी हदीसी वक़ाल तवज़्ज़ई लिकुल्ली सलातिन हत्ता यजी लकिल वक्त। वफ़िल बाबी अन उम्म सलमत क़ाल अबू ईसा हदीस आयशत हदीस हसन सही वहुवा क़ौलु ग़ैर वाहिद मिन अहलिल इल्म من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة। مستحاضة کے بیان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसे इस्तिहाज़ा आता है, इस्तिहाज़ा का खून आता है, मैं कभी पाक नहीं होती, क्या मैं नमाज़ छोड़ दूँ? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, वो एक रग है, वो हैज़ नहीं है। जब ये इस किस्म का खून आए, जब हैज़ आए तो नमाज छोड़ दो, और जब चला जाए तो खून अपने से अपने पर से धो लो और नमाज पढ़ो। मुस्तहाज़ा ऐसी औरत को कहते हैं कि जिसे इस्तिहाज़े का खून आए। इस्तिहाज़ा एक बीमारी का खून है कि जिसको आए वो औरत मुस्तहाज़ा बन जाएगी। हैज़ की अकल मुद्दत और अक्सर मुद्दत में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक कम से कम मुद्दत, अकल मुद्दत दफ़अतुन वाहिदतुन है, एक सेकंड भी हैज़ का कम से कम की मुद्दत हो सकती है। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक यौमुन व लैलतुन, एक दिन और एक रात है कम से कम मुद्दत। और हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 72 घंटे हैं, यानी 3 दिन और 3 रात। और इब्नुल मारशून उनके नज़दीक 5 दिन रात हैं। तो ये हुई कम से कम मुद्दत में इख्तिलाफात। ज़ायद से ज़ायद मुद्दत में हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 17 दिन, लेकिन मुफ्ता भी ही उनके नज़दीक 15 दिन है। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 15 दिन है ज़ायद से ज़ायद मुद्दत, अक्सर मुद्दत। और हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 10 दिन है। ये इख्तिलाफ़ क्यों हुआ? इसकी बुनियाद ये है कि अकल मुद्दत और अक्सर मुद्दत हदीस शरीफ में है या नहीं। इस सिलसिले में एक हदीस है कि हैज़ की अकल मुद्दत 3 दिन और अक्सर मुद्दत 10 दिन है। ये हदीस सनद के एतबार से अगरचे इतनी अच्छी नहीं है, मगर ये ज़ईफ़ुन जिद्दा नहीं है। आइम्मा सलासा ने फरमाया कि चूंकि इस सिलसिले में कोई हदीस सही हदीस नहीं है, इसलिए हम औरतों का जायज़ा लेंगे। हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के उसूल इज्तिहाद में दो बातें ऐसी हैं जो दूसरे अइम्मा के नज़दीक नहीं है। पहली बात यह है कि सिर्फ एक सहाबी का फतवा भी अगर पाया जाए और राय अगर मौजूद है तो ये इज्तिहाद से बेहतर है, वहाँ इज्तिहाद नहीं किया जाएगा, उसी पर अमल किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि हदीस अगर ज़ईफ़ और मुहतमल है, ज़ईफ़ है लेकिन काबिल बर्दाश्त है, मुहतमल है, तो हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वो मुस्तदल बन सकती है। आइमा सरासा के नज़दीक नहीं बन सकती है, क्योंकि वह हदीस सही नहीं है।
तो देखा जाए तो अइम्मा सलासा अपने इस कानून पर जम करके रहते नहीं हैं, क्योंकि एक हदीस है ला वसीयत लिवारिस, यह हदीस बिल इत्तेफाक ज़ईफ़ है, मगर अइम्मा सलासा ने इसको भी दलील में पकड़ा और इसको भी लिया। मालूम हुआ को अपने कायदे पर जम करके नहीं रहते, जब जी चाहेगा तो ज़ईफ़ हदीस को भी वो ले लेते हैं। हाइज़ा औरतें कितनी किस्में हैं, इसमें इख्तलाफ हुआ है। एक किस्म है मुब्तदा, मानी इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है, यानी वो औरत जिससे पहली मर्तबा हैज आया है और शुरू हो रहा है वो मुब्तदा है, उसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। और एक है मुतादा, जिसे एक से ज़्यादा मर्तबा हैज आया है और उसके लिए एक वक्त मुकर्रर है आदत के तौर पर, इसे मुतादा कहा जाते हैं। उसका एक रेगुलर निज़ाम है और जिस निज़ाम से एक लम्हा भी इधर उधर नहीं होता है, ये मुतादा है। यही सूरत निफास में भी है कि उसमें एक वक्त मुकर्रर होती है। अइम्मा सलासा के लिहाज से मुब्तदा और मुतद्दा और भी की भी दो किस्में हो जाएंगी, मुमग्गिज़ा और गैर मुमग्गिज़ा। तीसरी किस्म है ज़ाल्ला या मुतहय्यरा, ये वो औरत है जिसको आदत मुकर्रर नहीं है। हासिल कलाम यह है कि अहनाफ के नज़दीक हाइज़ा की तीन किस्में हुई और गैर अहनाफ के नज़दीक पांच किस्में हुई, कि मुमग्गिज़ा और गैर मुमग्गिज़ा को अगर ले लिया जाए तो तमीज़ बिल अलवान का अइम्मा सलासा ने एतबार किया है, तो इस लिहाज से उनके नज़दीक पांच किस्में हो जाएंगी। हज़रत उम्मे अतिया अहनाफ की इस सिलसिले में दो दलील हैं। पहली दलील यह है कि हज़रत उम्मे अतिया वो कहती हैं कि पाक होने के बाद हम उन खूनों को कुछ नहीं समझते थे, मालूम हुआ कि नापाक होने के ज़माने में उन खूनों को हैज शुमार करते थे। ये मफ़हूम मुखालिफ नहीं है जिसको लेकर एतराज़ किया जाए, बल्कि इस सिलसिले में दूसरी अहादीस भी वारिद हुई हैं, तो उसका बयान इंशाअल्लाह आगे आएगा। बुखारी शरीफ में हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की एक रिवायत है, कौल है, हज़रत आयशा का ये कौल है कि हैज़ के बारे में वो है कि तुम जल्दी मत करो यहाँ तक कि तुम खालिस बयाज खालिस रंग यानी सफ़ेद रंग का देखने लगो, सफ़ेद रंग। इससे मालूम हुआ कि अय्याम हज़ में हैज़ में जितने भी रंग के खून देखे जाएंगे सब खून जो है हैज़ का खून है, सफ़ेद के अलावा। सफ़ेद हालांकि खून नहीं होता है, मुराद ये है कि वो कपड़ा जो लगाया था शर्मगाह में वो कपड़ा बिल्कुल सादा हो, उसमें किसी किस्म का भी रंग का भी कोई खून नहीं है, तो सफ़ेद खालिस तरह अलबियाज़ अलखालिस से मुराद यही है। औरत अगर मुस्तहाज़ा है तो हैज़ के खून को पहचाना किस तरह से जाएगा, क्योंकि अय्याम हैज़ में दोनों खून आते हैं। इसमें अहनाफ का इजमा है कि माजूर का जो वज़ू है वो वक्त के लिहाज से ताल्लुक़ रखता है और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक नमाज के साथ ताल्लुक़ रखता है, जहाँ नमाज का वक्त ख़त्म हो गया तो उसका वज़ू ख़त्म हो गया। इस इख्तलाफ की वजह ये हदीस शरीफ है जो बाब में है कि जो अबू मुआविया की रिवायत में है, तो तवज़ई लिकुल्लि सलातिन हत्ता यजी अलकिल वक्त। इस रिवायत में एक इजाफा और भी है कि अलमुस्तहाज़तु ततवद्दउ लिवक्ति कुल्लि सलातिन। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हर हर फ़र्ज़ नमाज के लिए वज़ू ज़रूरी है, दलील लिकुल्लि सलातिन है, हालांकि सलातिन नकरा है जो मुक्तजी है नफल नमाज को भी। हनफिया ने यही जवाब दिया है, हनफिया ने लिवक्ति कुल्लि सलातिन वाली हदीस को लिया है और लिवक्ति सलातिन में कहा है कि ये लाम वक्तिया है और वक्ति कुल्लि सलातिन है, ये इसलिए कहा ताकि दोनों हदीसों के ऊपर अमल हो जाए। इस्तिहासे के दौरान जब हैज़ आएगा तो औरत नमाज छोड़ देगी और जब ख़त्म होगा तो गुस्ल करेगी। पाकी के ज़माने में जब इस्तिहाजा आएगा तो पांच गुस्ल करेगी इंदल अहनाफ, और बाज़ अहनाफ के नज़दीक तीन गुस्ल करेगी और जमा सूरी करेगी, इसलिए कि अहनाफ के नज़दीक जमा हकीकी कोई चीज़ नहीं है, उनके नज़दीक जमा सूरी ही है। दीगर अइम्मा भी तीन गुस्ल का कौल करते हैं मगर जमा हकीकी के कायल हैं। वाज़े रहे कि ये गुस्ल करना कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये करना मुस्तहब है, ये अमर जिस जो हदीस में आया है ये अमर अमर इरशादी है। अरब का इलाका खुश्क है, वहाँ का इलाज भी
दूसरा है मुस्तहाजा औरत का इलाज, वहाँ भी यही है कि कसरत से गुसल करे, इससे इस्तिहाजे का खून ख़त्म हो जाएगा। हासिल कलाम ये निकला कि जिस खातून को आप सल्लम ने गुसल फरमाने का हुक्म दिया है वो बतौर इलाज है। ये खातून आपकी साली हैं, हज़रत हमना बिनते जहश, उनकी हदीस अगले बाब में आ रही है तफसीली तौर पर। तमाम अइम्मा का इत्तेफाक है, सब इसके ऊपर मुत्तफिक हैं कि पांच गुसल या तीन गुसल का अम्र जो है ये अम्र इरशादी है। मुस्तहज़ा अगर मुतादा है तो इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आदत का एतबार होगा, रंग का कोई एतबार नहीं होगा। आदत हैज जितने किस्म जितनी है उतनी अय्याम हैज शुमार होगा, बकिया अय्याम इस्तिहाजे का खून का होगा। और अगर मुब्तदा है या मुतहय्यरा है तो ये अगर मुमज्जिज़ा हैं तो काले खून का एतबार है, अगर काला खून आता है तो हैज़ है वरना फिर वह इस्तिहाजा है। और अगर गैर मुमज्जिज़ा है तो ख़ानदान की दूसरी औरतें हैं उनके खून का एतबार है, उन औरतों का किन किन रंग का खून आता है उसका एतबार है। हज़रत इमाम शाफ़ी और हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मुकद्दम आदत को नहीं रखा बल्कि रंग को रखा है। रंग के ज़रिए से वो अपना मुद्दत हैज शुमार करेगी, अगर उसको अलग अलग रंग का खून नहीं आता है तो अब आदत का एतबार होगा, अगर आदत नहीं है तो अब अकल हैज 24 घंटे का एतबार होगा। किसी औरत को अगर 16 दिन हैज आया है तो मालूम हुआ कि मुस्तहाजा है, लिहाजा अब 14 दिन की नमाज कज़ा करनी होगी, क्योंकि इस्तिहाजा में नमाज माफ़ नहीं। अगर वो मुतहय्यरा है तो उसका हुक्म क्या है उसके बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा तफसील की है जिसका समझना बहुत ही दुश्वार है। अहनाफ के नज़दीक मुकद्दम आदत है, अगर मुतादा नहीं है तो या तो मुब्तदा होगी या मुतहय्यरा होगी, अगर मुब्तदा है तो अक्सर मुद्दत का एतबार होगा। लिहाजा अगर 11 दिन हैज़ आया है तो 10 दिन का खून हैज़ है और 11वीं दिन से नमाज शुरू करें। अगर वो मुतहय्यरा है तो मुतहय्यरा दो किस्म पर हैं, एक वो मुतहय्यरा है कि जिसकी आदत अभी बनी नहीं है और एक वो है कि जिसकी आदत बनी थी लेकिन वो भूल गई है, फरामोश कर गई है। तो एक और दो, तो दूसरी सूरत में वो तहर्री करेगी, तहर्री के बाद जो बात जहन में आए और बैठ जाए उसी पर अमल करें। पहली सूरत में यानी अभी जब उसकी आदत बनी नहीं है तो कभी 6 दिन उसका खून आता है और कभी उससे ज़्यादा आता है, 7 दिन आता है, तो उनमें से जिस पर चाहे वो अमल करे, यानी चाहे 6 दिन के ऊपर अमल करे और चाहे तो 7 दिन के ऊपर अमल करे। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अक्सर मुद्दत 15 दिन को करार दिया है। दलील उनके पास हदीस शरीफ एहदाकुन्ना तक़ुदी फ़ी बैतिहा शतर उम्रिहा, तो ये शतर उम्रिहा से वो दलील पकड़ते हैं कि शतर निस्फ को कहते हैं, आधी उम्र को कहते हैं, तो इससे मालूम हुआ कि महीना में 15 दिन जायद से जायद मुद्दत होनी चाहिए। जवाब इसका यह है कि ये शतर का लफ्ज़ सही सनद से साबित नहीं है और ख़ुद महल बहस है। दूसरा ये कि शतर का माना बिल्कुल निस्फ़ो ये मुतय्यन नहीं है। तीसरा यह है कि दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं कि जिसको आधी उम्र हैज़ आता हो, मसलन किसी की उम्र अगर 70 साल हो तो 35 साल हैज़ आए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसका बातिल होना अजहर है, वह बतलानहु अजहर। हुजूर सल्लम के ज़माने में जिन औरतों को इस्तिहाजा की बीमारी आई है उनमें से 10 का जिक्र हदीस में आया है और उनमें से सिर्फ 3 औरतों की हदीस पर मसाइल का मदार है। एक हज़रत फ़ातिमा बिनते हुबैश हैं और एक हमना बिनते जहश हैं और एक उम्मे हबीबा बिनते जहश हैं। ये दोनों हज़रत ज़ैनब की बहनें हैं और हुज़ूर सल्लम की सालियाँ हैं। फ़ातिमा की हदीस से दो मसले मुतालिक हैं, एक मसला तमीज़ बिल अलवान किया जाएगा या नहीं, ये रिवायत नसाई शरीफ और अबू दाऊद शरीफ में भी है मगर इजाफे के साथ है। फ़इन्नहु दमुन युरफ, ये जायद टुकड़ा सही है या नहीं, मुहद्दिसीन किराम का इसमें इख्तिलाफ़ है, बाज़ ने सही मानकर अलवान का एतबार किया है और बाज़ ने गैर सही करार दिया है और इससे इस्तदलाल नहीं किया है। और दूसरा मसला जो इससे मुतालिक है हज़रत फ़ातिमा की हदीस से वो है तवज़्ज़ई लिकुल्ली सलातिन हत्ता यजी ज़ालिकल वक्त, इस पर भी कलाम है कि ये हुजूर सल्लम का जुमला है या किसी रावी का है। हाफिज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह की राय तलखीस में यही है कि ये हुजूर सल्लम का इरशाद है और रिवायत मरफू है न कि मुदरज है। हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सही मानकर अपना मुस्तदल बनाया
और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने गैर सही करार दिया और फरमाया कि माजूर का उज़्र वज़ू को नहीं तोड़ता, यानी उसके लिए हर नमाज के लिए वज़ू करने की ज़रूरत नहीं। यही हुक्म मुस्तहाज़ा के इस्तिहाज़े का है उनके नज़दीक। इमाम साहब और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इन दोनों ने इसको सही करार तो दिया, मगर फिर भी इसमें इख्तलाफ हुआ। इमाम साहब ने उससे लिकुल्ली वक्ति सलातिन मुराद लिया है और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिकुल्ली फर्जिन सलात से मुराद लिया है। हज़रत इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो फरमाते हैं वह भी यकूलु सुफियान सौरी व मालिक, इसमें मालिक का नाम लेना सही नहीं है, इसलिए कि उनके नज़दीक हर नमाज के लिए वज़ू मुस्तहब है। अबुल यकज़ान जो उन्होंने फरमाया है ये नहायत ज़ईफ़ हैं, इस वजह से इस हदीस पर मसले का कोई मदार नहीं है। तो अक़ल्लुल हैज़ यौमुन व लैलतुन व अक्सरुहु 15 व हुवा क़ौलुल औज़ाई वल मालिक, यहाँ भी मालिक का ज़िक्र जो है सही नहीं है, इसलिए कि उनके नज़दीक अक़ल्ल हैज़ दफ़अतुन वाहिदतुन है, जैसा कि इसके पहले अर्ज़ किया जा चुका है। वलाकिन्नहु शैउन फ़अलतुहु हिया, चूँकि ये उम्मे हबीबा कि बहन हज़रत हमना है, उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मर्तबा गुसल करने का हुक्म दिया था, इसी हुक्म पर यह भी अमल करती थी। अब ये चीज़ समझ में आई कि हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इस हदीस शरीफ में जब उनसे ये पूछा गया कि अय्याम हैज़ में फौत शुदा नमाजों की कज़ा है या नहीं है, तो कोई कुरान की आयत उन्होंने पेश नहीं की है बल्कि हदीस सुनाई है। इससे मालूम हुआ कि अहरूरियतुन अंती में जो हज़रत अली के ज़माने में एक जमात खवारिज के नाम से अलहदा होकर हरूरानवी मकाम पर सुकूनत अख्तियार कर गई थी, उनके लिए बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि ये कुरान शरीफ को हुज्जत मानती हैं अहादीस को नहीं, ये रिवायत सही नहीं, ये चीज़ सही नहीं है, बल्कि अहादीस भी उनके नज़दीक काबिल हुज्जत थी। हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इमाम अहमद इबन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक हाइज़ा और जुनूबी दोनों के लिए कुरान पढ़ना नाजायज़ है, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक दोनों के लिए जायज़ है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक कुरान पढ़ना जायज़ तो नहीं है, लेकिन जुनूबी आयत यसीरा यानी थोड़ी आयत पढ़ सकता है तअव्वुज़ के लिए, जैसे सोते वक्त में चारों कुल पढ़ना और हाइज़ा के पढ़ने न पढ़ने के सिलसिले में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मुख्तलिफ अक़वाल वारिद हैं। जमहूर का मुस्तदल बाप की हदीस शरीफ है कि ला तक़रा फ़ेल नहीं है, जुनूबी और हाइज़ा के लिए मुतलकन कुरान पाक पढ़ना ये जायज़ नहीं है। जो हजरात जायज़ कहते हैं वो इस हदीस पर ज़बरदस्त इश्काल करते हैं। इसमें रावी इस हज़रत इस्माईल इबन अय्याश है, उनके बारे में ये ज़ाबता है कि अगर शामी असातिज़ा से वो रिवायत करेंगे तो कबूल है और अगर हिजाजी या इराकी असातिज़ा से रिवायत करेंगे तो कबूल नहीं है, मुनकर है। तो यहाँ पर ये गौर किया गया कि रिवायत हिजाजी इसनाद से नकल की गई है, लिहाजा रिवायत मुनकर ठहरी है। जवाब इसका ये दिया जाता है कि ये मुतलक नहीं है, बल्कि मुनकर उस वक्त होगा जबकि उनका कोई मुताबे या कोई मुशाहिद जो है कोई शाहिद उनका न हो। यहाँ अगर गौर किया जाए तो उनका पता चलेगा कि इनका मुताबे मौजूद है जो सिका है सुनन दार कुतनी में, और मुताबे उनका मौजूद है वह हज़रत मुग़ीरा इब्न अब्दुर्रहमान है जो उन्हीं के उस्ताद से नकल करते हैं, ये मुताबात तामा है। और वफील बाब अन अलीगिन में इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अली की रिवायत इस रिवायत के लिए शाहिद है, लिहाजा इमाम बुखारी का कायदा इस्माइल इब्न अय्याश के सिलसिले में सही नहीं है। जो हज़रात जायज़ कहते हैं उनके पास इसकी कोई हदीस नहीं है, उनके पास दो तरह की दलील हैं। एक अमूमात, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानी, हर वक्त आप अल्लाह का जिक्र किया करते थे, तो कुरान भी एक जिक्र है। तो उसका जवाब है कि कुरान के बारे में सरीह रिवायत मौजूद है, लिहाजा उसको जिक्र मानकर दाखिल नहीं कर सकते हैं। छींक के बाद दुआ पढ़ सकता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वगैरह, या अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकता है या नहीं, या खाते वक्त में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मुकम्मल पढ़ सकता है या नहीं, इस सिलसिले में नीज़ मादून आयत यानी एक आयत से कम का क्या हुक्म है, इस सिलसिले में अहनाफ के अक़वाल बहुत सारे हैं। हमारे अकाबिर का मसला ये है कि तअव्वुज़ और ज़िक्र के तौर पर तो एक आध आयत जुनूबी और हाइज़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन तिलावत के तौर पर नहीं पढ़ सकते। हाँ, तख्ती के तौर पर पढ़ सकते हैं यानी काट काट करके पढ़ सकते हैं। अल्लाहु आलम बिस्सवाब।
आप देख रहे हैं MARB दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियोस आप अपने चैनल पर डाल सकते हैं। हमारी तरफ से इजाज़त है। हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपने व्हाट्सएप से अपना नाम और फुल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें और हमारा काम पसंद आए तो गूगल पे, फ़ोनपे या बैंक अकाउंट के जरिया मदद कर सकते हैं।